इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, ग्रेनाइट स्टूडियो। नमस्कार, उत्तम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। पीएम मोदी आज करेंगे कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें सम्मेलन का उद्घाटन। 65 साल बाद भारत में हो रहा है आयोजन। राज्यसभा में शिवराज की कांग्रेस को खरी खरी, कहा प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर यूपीए सरकार तक के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो कांग्रेस का डीएनए ही किसान विरोधी है। लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक ने भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल का पदभार ग्रहण किया। वायनाड त्रासदी के बाद एक्शन में केंद्र 56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव घोषित करने के लिए जारी की मसौदा अधिसूचना। वायनाड में अब जीवित लोगों को खोजेगा ड्रोन। अब तक 210 शव बरामद, 300 लोग लापता। वायनाड पर केंद्र का विशेष ध्यान। वायनाड से ध्यान भटकाना चाहते हैं राहुल गांधी, इस वजह से की ईडी की कल्पना, राजीव चंद्रशेखर ने बोला हमला। श्रीलंका में गिरफ्तार हुए 21 भारतीय मछुआरों की घर वापसी, कोलंबो से चेन्नई के लिए हुए रवाना। सरकार गड़बड़ी, मुक्त परीक्षा कराने को लेकर तत्पर, धर्मेंद्र प्रधान बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करेंगे पालन। सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक बनाए गए अमृत मोहन प्रसाद, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। अगर मोबाइल में नहीं आया नेटवर्क तो कंपनी को देना होगा मुआवजा, TRAI के नए नियम से ग्राहक खुश। भारत में बढ़ने वाला है चीतों का कुनबा, नई खेप से पहले राज्यों ने तेज की तैयारियां, गुजरात ने भी दिखाई रुचि। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। इस तरह आरकेडीएफ विश्वविद्यालय राज्य और देश के आधुनिक और उच्च विश्वविद्यालयों में से एक है। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, एजुकेशन ग्लोरिफाइज नेशन। द मिनिस्ट्री ऑफिसेस इन ल्यूटन्स दिल्ली, होटल जानपाथ, as well as airport terminals. Granite Studio India, with its prestigious brands, rich experience, and the trust of our clients, can be your reliable partner. We are here for you, for innovating, processing, supplying, and executing in stone. Contact us today for our special sample kit. दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी, हिमाचल, उत्तराखंड में भूस्खलन की चेतावनी, राजस्थान में फिर से बरसेंगे बाद। इसरो के कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारत अमेरिका संयुक्त मिशन के लिए किया गया सिलेक्ट, अंतरिक्ष की भरेंगे उड़ान। इसराइल ने सीरिया के अलदबा सैन्य एयरपोर्ट पर किया हमला, ईरान जाने वाली ज्यादातर फ्लाइट निलंबित। मिडिल ईस्ट में युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात करेगा अमेरिका, इसराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद लिया फैसला। बांग्लादेश में छात्रों के साथ पुलिस की फिर से हुई झड़प, दो की मौत, 100 से अधिक आए। पाकिस्तान में महाविपक्षी गठबंधन बनाएंगे इमरान खान, सरकार विरोधी आंदोलन को करेंगे तेज। अमेरिका में टिकटॉक पर मुकदमा, अवैध रूप से बच्चों का डाटा इकट्ठा करने का आरोप। फिलीपींस में आया भूकंप, रिएक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई तीव्रता। भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे ने वायनाड भूस्खलन पर व्यक्त की संवेदना। कश्मीर पुलिस प्रमुख वीके बिरदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले घाटी में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। दिल्ली के वजीराबाद में पुलिस के जब्ती यार्ड में लगी भीषण आग, 120 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में लापरवाही, प्लाईवुड से ढक दी गई थी नाली, पैर रखते ही समा गया बच्चा, स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को बाहर निकाला गया। तो ये थे आज सुबह के कुछ मुख्य समाचार। खबरों में अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रिदम ऐप को डाउनलोड करें।